ओके दोस्तों, तो ये देखते हैं। ये मैं आपके लिए अब पूरे गेट का जो सेट वन है, जैसे 2022 का ये गेट पेपर है, ठीक है। और मैं जो सिविल सेट वन है, ठीक है, वो मैं लेके आया हूँ अभी, ठीक है। सिविल का जो सेट वन पेपर था वो मैं लेके आया हूँ, और इसमें जितने भी जियोटेक के क्वेश्चन है ना, सभी मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे जो गेट 2022 में सेट वन था, उसका पूरा पेपर यहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें, ठीक है। कहता है कि फोर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, तो CH हो गया, मतलब क्या है, क्ले है विथ हाई, फिर ML है जो कि आपका सिल्ट विथ लो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ है। SP जो कि सैंड है विथ पुअरली ग्रेडेड सैंड, आप इसको बोल सकते हैं। SW है जो कि आपका क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड आपका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अरेंज विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, मतलब जिसका वैल्यू ज्यादा है के का, मतलब हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या हो गया, परमिएबिलिटी, ठीक है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा परमिएबिलिटी का एंड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का, वो पहले होगा, और जिसका कम होगा वो सबसे लास्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहले आपको पता है कि सैंड का सबसे ज्यादा होता है, फिर आपके पास क्या होता है, मतलब अगर इसको आप देखेंगे इस टेबल को, तो ग्रेवल आता है, फिर सैंड आता है, फिर आपका सिल्ट आता है, देन आपका क्या आता है, क्ले आता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो क्ले सबसे लास्ट है, ठीक है, उसके पहले आपका क्या है, सिल्ट है, और ये दोनों सैंड है, ठीक है। ये वाला ऑर्डर देखें तो इधर सैंड है तो होगा ही नहीं, इधर आपका सिल्ट है फिर क्ले है तो ये भी नहीं होगा, ये सैंड लास्ट में आ गया तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पहले आपका वेल ग्रेडेड सैंड होगा, फिर पुअरली ग्रेडेड सैंड है, फिर आपका लो कंप्रेसिबिलिटी के साथ सिल्ट है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी के साथ क्या है, आपका क्ले है। तो 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब 18 नंबर भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये क्या है कि आपका जो है ना सिग्मा भी इज द वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा एच आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल इफेक्टिव हॉरिजेंटल स्ट्रेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर सॉइल एलिमेंट टू रीच द फेलियर स्टेट अंडर रैंकाइंस पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन, ठीक है। मतलब पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन में पहुंचना है रैंकाइंस के तरफ से, ठीक है। अगर हम देखें तो यही हमारा क्या है, सिग्मा भी डैश है, और ये बेसिकली हमारा क्या है, सिग्मा एच डैश है, ठीक है। अगर आप रैंकाइंस का थ्योरी अगर आप देखेंगे, तो ये आपका क्या होता था, रिटेनिंग वॉल होता था, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं हमारा क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब क्या होता था हमारा कि एक पैसिव कंडीशन के लिए ये वॉल को क्या करना पड़ता था, इधर की तरफ सॉइल को कंप्रेस करना पड़ता था। जब आप सॉइल को कंप्रेस करते थे तो एक फेलियर पैटर्न डेवलप होता था, ठीक है, और सॉइल का मूवमेंट इस तरफ होता था। जब सॉइल का मूवमेंट इस तरफ होता था तो जो रेसिस्टेंस लगता था वो डाउनवर्ड लगता था, ठीक है। जब डाउनवर्ड लग रहा होता था ना, तो हमें क्या करना होता था, जब डाउनवर्ड लगेगा तो सॉइल क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेशर, हॉरिजेंटल प्रेशर ज्यादा क्या करना होगा, वी हैव टू अप्लाई, ठीक है। तो ज्यादा जब आपको हॉरिजेंटल प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या था कि पैसिव में ये आपका सिग्मा वन होता था, और ये आपका क्या होता था, सिग्मा थ्री होता था, ठीक है। सिग्मा वन सिग्मा एच होता था, और सिग्मा भी आपका सिग्मा थ्री हो गया। और जैसे ही सिग्मा वन, तो आपको पता है कि सिग्मा वन आपने क्यों दिया था, क्योंकि ये ग्रेटर था, इसका मतलब सिग्मा एच डैश को कितना ग्रेटर होना चाहिए सिग्मा बी डैश से। इसको आप मोर सर्कल से भी समझ सकते थे, कैसे, सपोज कर लेते हैं ये मेरा फेलियर इनवेलप था रैंकाइंस में, क्योंकि रैंकाइंस किसके लिए अप्लाइड था, फाइ मतलब C0 सॉइल के लिए था। C0 के लिए जो फेलियर इनवेलप होता है वो यहां से पास करता है। अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा था सिग्मा थ्री एंड सिग्मा वन का, ठीक है, इससे आप एक मोर सर्कल बना रहे थे। ये मोर सर्कल क्या था, बिलो द फेलियर इनवेलप था, मतलब स्टेबल था, ठीक है। अब आपको क्या कराना है, फेल कराना है। तो फेल आपका किस तरह से होता था, दो तरीके से होता था, या तो आप सिग्मा थ्री को घटाते थे या सिग्मा थ्री को बढ़ाते थे। सिग्मा थ्री घटता कब था, सिग्मा थ्री एक्टिव प्रेशर के केस में घटता था। तो जब घटता था तो ये आपका फेलियर इनवेलप होता जा रहा था, ठीक
ठीक है, और यहाँ जाके आपका टच कर दे रहा था, ठीक है। इसका मतलब ये सिग्मा 3 घटता गया और यही सिग्मा 3 सिग्मा एच के बराबर हो जाता था, और आप एक्टिव के केस में क्या बोल देते थे, सिग्मा एच इज लेस देन सिग्मा बी, क्योंकि सिग्मा 1 आपका सिग्मा बी से रिप्रेजेंटेड था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल वाले को आप बढ़ाना स्टार्ट करते हो किस कंडीशन में, इसमें जब आपका पैसिव होता है, तो ये आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है सिग्मा 3 का वैल्यू, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कंसाइड करेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब यह सिग्मा 1 से भी ज्यादा होगा, और किसी समय पे ये इसको टच करके आपका क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखेंगे ना, तो दिस वैल्यू इज सिग्मा जो 3 था, और वही आप इसको क्या बोलते थे, सिग्मा एच, ठीक है। और जैसे ही आपको पता है कि जब आपका वैल्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वही तो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होता था, सिग्मा 3 की जगह आप इसको सिग्मा 1 से डिनोट करते थे, और जो पहले सिग्मा 1 था वो आपका आप सिग्मा 3 होता था, जो कि सिग्मा बी है। तो ऑब्वियसली बात क्या हो गया कि सिग्मा एच इज ग्रेटर देन सिग्मा बी, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये वेरी सिंपल है। क्या दिया हुआ है कि अनकंपैक्टेड हीप ऑफ सॉइल है जिसका कि वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम आपको दे रखा है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉइड रेशियो भी आपको दिया हुआ है, दैट इज ई इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जब 1 है इसका मतलब क्या हो गया, बी एस इज इक्वल टू बी बी, ठीक है। अगर सॉइल का 3-फेज सिस्टम देखे ना, तो सॉइल का वॉल्यूम जो है दो ही चीज से तो बना होता था, बी एस एंड बी बी से, ठीक है। इसका मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम भी हमारा है, दैट इज बी बी प्लस बी एस होगा, ठीक है, जो कि आपका 10,000 है। और इसी वाले रिलेशन से हमने देख रखा कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ऑफ बी एस इज इक्वल टू 10,000, तो बी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 5,000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है अनकम्पैक्टेड सॉइल का ये कंडीशन है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, सॉइल को कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब सॉइल को जब आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है वो तो रिमेंस अनचेंज रहेगा, ठीक है। क्या चीज का वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चेंज होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो नया कॉम्पैक्टेड सॉइल हुआ है ना, उसमें वी एस तो वही है, लेकिन ये वी बी 2 हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डेवलप किया है। और इसी से अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें, तो टोटल वॉल्यूम आपका क्या है, 1575 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, ये भी आपका मीटर क्यूब था, सॉरी मीटर क्यूब है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपका था 10,000 मीटर क्यूब, अब आपका 75,000 मीटर क्यूब हो गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो दोनों में सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे भी जो बीएस रहेगा वो 5,000 मीटर क्यूब ही रहने वाला है, क्योंकि कोई भी सॉइल में सॉलिड तो कहीं जाने वाला नहीं है ना। जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो किस में वॉल्यूम चेंज होगा, वॉइड्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉइड्स था पहले, यहाँ पे जो बीबी देखेंगे वो था 5,000, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीबी 2, दिस इज 75, जो कि टोटल वॉल्यूम था, उसमें आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 मीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है इन्हीं दोनों का वॉल्यूम का तो सम कितना है, 7500 मीटर क्यूब है, जिसमें आपको बी एस 1500 पता था, तो बीबी 2 क्या हो जाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहां से ई निकाल सकते हैं, ई 2, ये क्या हो जाएगा, बीबी 2 बाई बी एस, और बीबी 2 का वैल्यू क्या है, 2500 एंड दिस गेट डिवाइडेड बाई 5,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो E2 is equal to 0.5 हो जाएगा, so correct answer is 0.5, ठीक है। Next question लेते हैं, इसमें आपका क्या बोल रहा है कि एक vertical load है जो कि horizontal ground surface पे act कर रहा है, और यह क्या है, concentrated load है, ठीक है, concentrated load आपका है, ठीक है। अब आपका क्या है कि same load के ही line में दो point है, एक आपका P है और दूसरा आपका क्या है, Q है, ठीक है ना, और दोनों ही 1 मीटर, ये डिस्टेंस आपका क्या है, 1 मीटर, और ये वाला जो Q का डिस्टेंस है वो क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जब कंसीडरिंग द ग्राउंड टू बी लीनियर इलास्टिक आइसोटॉपिक मीडियम, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस एट P टू इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस एट Q, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन वही हो गया कि जब आपका कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है तो उसके कारण आपका पी पे कितना स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है, सिमिलरली आप बता सकते हैं कि क्यू पे भी कितना स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आपको वर्टिकल स्ट्रेस जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है उसका ये क्वेश्चन है। तो वहां से अगर आपको याद हो ना तो आप ऐसे लिखते थे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा जेड। ठीक है, सिग्मा जेड का जो इक्वेशन था वो आप ऐसे लिखते थे 3q/2π(z²)/1/1+r/z²^5/2। ठीक है, यही आपका बोनस के इक्वेशन हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो r इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, क्योंकि सेम लाइन ऑफ सेम लाइन में है, मतलब लोड के सेम लाइन में है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब सिग्मा जेड किसके बराबर हो गया, 3q/2π(z²)। इसका मतलब सिग्मा जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z²। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इंक्रीज इन स्ट्रेस एट p बाय इंक्रीज इन स्ट्रेस एट q, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड q का होल स्क्वायर बाय जेड p का होल स्क्वायर। अब मुझे बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड q, तो ये 2 मीटर है तो दैट इज 4, और ये बेसिकली 1 है तो ये 1, सो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 4। तो आप यहां पे डायरेक्टली वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल को आप यहां से बता सकते हैं कि ओसीआर रेशियो उसका क्या होता है, 1 होता है। तो आप डायरेक्ट इसको इससे मैच करा दिए। ठीक है, देखिए क्विक क्ले है, क्विक क्ले में क्या होता था, सेंसिटिविटी, तो ऑब्वियस ही बात है सेंसिटिविटी, जैसे ये डायलेटेशन एंगल है, ये लिक्विड लिमिट है, ये सेंसिटिविटी है, तो इसको हम किससे मैच करा देंगे, पी से, क्योंकि सेंसिटिविटी से ही तो मतलब होगा। सैंड इन क्रिटिकल स्टेट, ठीक है, सैंड इन क्रिटिकल स्टेट में जब आप जाएंगे ना तो उसमें डायलेटेंसी एंगल क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो 3 का क्यू से मैच कराना होगा। क्ले ऑफ हाईली प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी का मतलब है, इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड लिमिट से ही रिलेटेड होगा। सो दिस इज द रिलेशन, और इसका जब ऑप्शन देखेंगे ना तो फर्स्ट का एस हो गया, ऐसे फर्स्ट का एस हो गया, दूसरा का पी हो गया, तीसरा का क्यू हो गया, फोर्थ का तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, एज पर द रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर द इंक्लिनेशन ऑफ द फेलियर सर्फेस इज 45+5/2 विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उससे है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्टिव का केस लेंगे ना, एक्टिव प्रेशर, तो उस केस में कुछ ऐसा होता था, ये आपका क्या होता था, सिग्मा एच होता था, ये आपका क्या होता था, सिग्मा पी। और एक्टिव के केस में आपको पता है, अभी मैंने तुरंत बताया कि दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 3। ठीक है, ठीक है ना, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या हो गया, एक्टिव पे ये डायरेक्शन है। ठीक है, पैसिव के केस में अगर आप देखें तो पैसिव के केस में क्या है, ये आपका सॉइल मास है, ये आपका क्या होता था, सिग्मा बी एक्ट कर रहा होता था, ये आपका सिग्मा एच, और इसमें देखेंगे ना तो ये सिग्मा 1 है और ये आपका क्या होता था, सिग्मा 3। तो माइनर क्या हो गया, माइनर इज दिस 1, तो इस केस में पैसिव के केस में माइनर का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 45 प्लस 5 बाई 2 से जो फेलियर इनवेलप है, जैसे मैं आपको बताऊं ना तो एक्टिव के केस में जो फेलियर इनवेलप होता है वो ग्राउंड सरफेस से कितना होता है, 45 प्लस 5 बाई 2 से इंक्लाइंड होता है। ठीक है, दिस इज फॉर एक्टिव। ठीक है, पैसिव के केस में अगर मैं बताऊं ना तो पैसिव के केस में आपका क्या होता है, ये 45 माइनस 5 बाई 2 होता है। ठीक है, दिस इज फॉर पैसिव, लेकिन ये अगर देखेंगे तो दोनों ग्राउंड सरफेस से है, मतलब हॉरिजेंटल से ये इंक्लाइंड है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि एक्टिव के केस में माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से डायरेक्शन 45 प्लस 5 बाई 2 का है। ठीक है, तो इसमें देखें तो माइनर आपका हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल है तो 45 प्लस 5 बाई 2, मतलब एक्टिव के केस में ये 45 प्लस 5 बाई 2 सही है। पैसिव के केस में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो आप बोलेंगे वर्टिकल है। ठीक है, जो कि आपको दिख भी रहा है, तो वर्टिकल मतलब ये हो गया। अब फेलियर इनवेलप क्या है, ये आपका फेलियर इनवेलप है, जो फेलियर लाइन है ना वो ये है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये 45 माइनस 5 बाई 2 है, तो वर्टिकल से ये कितना होगा, दैट मींस ये 90 माइनस 45 प्लस
5 बाई 2 हो जाएगा. सो दिस इज 45 प्लस 5 बाई 2. इसका मतलब क्या है कि एक्टिव में भी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से जो फेलियर इन्वेलप होता है, फेलियर प्लेन होता है, वो 45 प्लस 5 बाई 2 से भी इंक्लाइंड होता है. साथ में अगर पैसिव में भी देखें तो पैसिव में भी क्या है, यह माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से 45 प्लस 5 बाई 2 से इंक्लाइंड है. इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है. फर्स्ट पे आप मत मार दीजिएगा बिना पढ़े लिखे. फर्स्ट तभी होता जब वो हॉरिजॉन्टल से पूछा जाता तब, ठीक है ना. हॉरिजॉन्टल से पूछा जाता तभी फर्स्ट होता, ठीक है. वर्टिकल से पूछा जाता तब बी होता, लेकिन आपको यह पूछा गया किससे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, जो कि मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है. अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं. ये आपका मुझे लगता है पाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है. स्क्वायर पाइल आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक स्क्वायर पाइल बना लेता हूं, ठीक है. ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर पाइल हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम विड्थ भी लेंगे तो ये भी विड्थ आपका क्या होगा, बी होगा. अब ये क्या है, 10 मीटर लेंथ का ये पाइल है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 मीटर हो गया. ड्रिवन इन यूनिफॉर्म होमोजीनियस क्ले में, होमोजीनियस क्ले है उसमें ड्रिवन किया गया. अब देखिए, एवरेज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्ले डिटरमाइंड फ्रॉम लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अनडिस्टर्ब सैंपल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ क्ले लेयर इज 100 किलो पास्कल. अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपको पता है, कि आपको QU का वैल्यू दिया हुआ है 100 kPa, ठीक है. QU अगर आप CU निकालते हैं तो दिस इज QU by 2, इसका मतलब 50 kPa का ये क्या है, CU है. इसमें मत आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि जो ये वैल्यू दिया हुआ है ना वो किसका दिया हुआ है, CU का वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, QU का वैल्यू है. और आपको पता है क्या कि QU आपका क्या होता था, QU is ठीक है, जो QU अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका CU क्या होता था, हाफ होता था. तो दिस इज 50 kPa हो गया, ठीक है. अब आपसे पूछा गया कि अल्टीमेट कंप्रेसिव लोड कैपेसिटी ऑफ द ड्रिवन पाइल इज 632. इसका मतलब क्या हो गया, जो लोड है दैट इज QU, ठीक है, ये लोड जो है वो 63 किलो न्यूटन का है, ठीक है. व्हाट विल बी द विड्थ, विड्थ क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा mm में. आपको NC का वैल्यू दिया हुआ है 9 और अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7. तो अगर आपको याद हो ना तो QU आप ऐसे निकालते थे पाइल के केस में, दैट इज QB, दैट इज जो इंड फ्रिक्शन मतलब इंड रेसिस्टेंस जो लगता था वो QB होता था. लोड निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस स्किन फ्रिक्शन. स्क्रीन फ्रिक्शन को QS से डिनोट करते थे, और इसमें भी लोड निकालना है तो इसका जो सर्कमफेरेंशियल एरिया होगा वो लेना होगा, दैट इज AS, ठीक है. अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QB. QB का वैल्यू अगर आपको याद हो ना तो वो 9 इंटू क्या होता था, CU, ठीक है. तो यहाँ पे मैं 9 इंटू क्या करता हूँ, 50 इंटू ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि टोटल जो एरिया होगा क्या होगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस क्यूएस का अगर आपको याद हो ना तो ये अल्फा इंटू सी यू होता था. तो अल्फा का वैल्यू 0.7 है, सी यू 50 है, और आपको जो सर्कमफेरेंशियल एरिया ऑफ द पाइल आपको पता है दैट इज 4 बी इंटू एल, ठीक है. और क्यू यू का वैल्यू आपको कितना दिया है, 632, ये आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है. जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो B यू विल गेट एज 400 mm, ठीक है. तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कितना, 400. सिंपल सा क्वेश्चन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, सॉल्व कीजिए वैल्यू मिलेगा, ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, दैट इज रिलेटेड टू द कंसोलिडेशन, ठीक है. इसमें आपको बोल रहा है कि एक आपका फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है. राफ्ट फाउंडेशन है तो कुछ ना कुछ लेंथ एंड विड्थ होगा. लेंथ आपका दिया हुआ है 30 का, ये आपका दिया हुआ है 25 मीटर का, ठीक है. ये आपको क्या करना है, एक डेप्थ पे प्लेस किया गया है, ठीक है, सैंड में, ठीक है. इस फाउंडेशन को अगर हम ऐसे देखें ना तो इस फाउंडेशन को हमने ऐसे करके प्लेस कर रखा है सैंड में, ठीक है. और ये डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन आपका 8 मीटर का है, ठीक है. फिर बोलता है कि जो ये सैंड है ना वो 2 मीटर अगर आप इससे और नीचे जाएंगे ना तब आपको एक क्ले लेयर मिलने वाला है, ठीक है.
ये आपका क्या है, क्ले लेयर है, और ये क्ले लेयर आप देखेंगे ना तो ये आपका 25 मीटर थिक है, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका डेंस सैंड हो गया, ठीक है। अब क्या किया गया, इन्होंने क्या किया है कि एक अनडिस्टर्ब सैंपल निकाला एट द सेंटर ऑफ द क्ले लेयर से, ठीक है। और अनडिस्टर्ब सैंपल का जो थिकनेस है वो आपका 25 mm का थिकनेस इन्होंने सॉइल निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक ऑडोमीटर टेस्ट किया विथ डबल ड्रेनेज कंडीशन से, इन्होंने टेस्ट किया। इसका मतलब ये सैंपल ले लिया, इसका हाइट कितना है 25 mm का, ठीक है, 25 mm का इसका हाइट हो गया, और इसको इन्होंने डबल ड्रेनेज से टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि जो 50% कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो 10 मिनट में आता है, ठीक है। इसका मतलब जो U50 है दैट कम्स आउट अराउंड 10 मिनट्स। ये किसके लिए है, सैंपल जो कि ऑडोमीटर में टेस्ट हुआ था, ऑडोमीटर सैंपल में हुआ था, ठीक है। अब आपको बोला है कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ द राउंड राफ्ट फाउंडेशन, मतलब ये जो राफ्ट फाउंडेशन है उसमें अगर आपको सेटलमेंट कराना है 25% का, U25 कराना है, तो व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, और ये टाइम किस पे होगा, डे में चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, क्या करना है, देखिए आपको U50 दिया हुआ है, तो U50 से आप क्या निकालते हैं, TV। TV क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू यू स्क्वायर, अगर यू आपका क्या होता है लेस देन और इक्वल टू 60% होता है, तो TV 1 मैं कर देता हूं क्योंकि ये सैंपल का है, तो TV 1 क्या हो गया, पाई बाई 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि TV 1 इज इक्वल टू क्या होता है, CV 1 इंटू T1 बाई H1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए H1 क्या था, H1 25 mm का है और डबल ड्रेनेज है, इसका मतलब टोटल जो आप यहाँ पे H यूज करेंगे वो 25/2 होगा, तो CV1 छोड़ देता हूँ वैसे ही, TV कितना था 10 मिनट्स था, ठीक है, गेट डिवाइडेड बाय मैं क्या कर लेता हूँ 25 mm है, दैट मीन 0.025/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये TV1 हो गया। इसके लिए अगर मुझे TV2 निकालना है ना तो वो कितना होगा, तो TV2 अगर मैं इसके लिए भी निकालूं तो ये भी 60% से कम है, तो 0.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर TV2 निकालूं तो ये CV2 इंटू T2 बाई H2 का होल स्क्वायर, अगर H2 देखूं तो ये कितना है H 25 है, और इसमें भी ऊपर में भी सैंड है नीचे में भी आपका सैंड है, इसका मतलब डबल ड्रेनेज इसमें भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। जब डबल ड्रेनेज हो रहा है तो आप यहाँ H2 क्या लेंगे, दिस इज CV2 इंटू T2 और ये कितना हो जाएगा 12.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या है, दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दैट इज TV1 बाई TV2, ठीक है। तो TV1 कितना था, पाई बाई 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला टर्म, दैट इज CV1 इंटू 10 गेट डिवाइडेड बाई 0.025 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई ये आ जाएगा CV2 इंटू T2 बाई 12.5 का। देखिए CV1 CV2 सेम होगा क्योंकि सेम टाइप ऑफ सॉइल का ही हमने टेस्ट किया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से आप T2 निकाल लेंगे जो कि आपका कितना आएगा 73 डेज में आ जाएगा। सो द आंसर इज 1736 डेज, ठीक है। तो यही आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। कल मैं 2022 का जब जो सेट 2 था, ठीक है, उसका पूरा जियोटेक का क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को मिले, ठीक है, और वो प्रिपेयर कर पाए गेट के लिए, ठीक है।